जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा डिपार्टमेंट है और मजदूरों को दिवाली से पहले एक अच्छी खबर सुनाई गई है, या उन लेबरर्स को जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसने मिनिमम वेजेस एक्ट, जो अभी मुकम्मल तौर पर लागू नहीं हुआ है, लेकिन मिनिमम वेजेस एक्ट का हवाला देते हुए कुछ कामकाज किए हैं। और लेबर और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का, उसने रिवाइज मिनिमम वेजेस रेट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर नोटिफाई कर दिए हैं, मुतारिफ कराए हैं। यानी जो पहले मिनिमम वेजेस मिलते थे पर डे कितना उन लेबरर्स को मिलता था, वर्कर्स को जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, उन लोगों के लिए जो पहले पैसा मिलता था उसमें थोड़ी बढ़ोतरी की गई है। और तकरीबन ये रेट्स जो हैं 38% के आसपास रिवाइज किए गए हैं ओवरऑल, जिसमें तीन अलग अलग कैटेगरीज हैं, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मिनिस्ट्री लेवल पर काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी नोटिफिकेशन में जिक्र किया गया है। और रिवाइज रेट्स जो हैं 311 रुपये पर डे जो अनस्किल्ड वर्कर्स को मिलता था वो अब 400 सेमी स्किल्ड को मिलता था, 483 स्किल्ड स्टाफ को मिलता था, 552 रुपये हाईली स्किल्ड और 449 एडमिनिस्ट्रेटिव और मिनिस्ट्रियल वर्क्स के लिए जो पहले पैसे मिलते थे उनसे ज़्यादा बढ़ाए गए। यानी 311 रुपये अनस्किल्ड को मिलेंगे, अलाउंसेस जो हैं जो एम्प्लॉयज़ को मौजूदा वक्त में जो डियरनेस अलाउंसेज होते हैं उसके अलावा, ये मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से इस बार काम करने की एक जो है कवायद तो बनाने की कोशिश है, लेकिन नाराज़गी इस बात की है कि तकरीबन 18,000 के आसपास, दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है तो यहाँ पर जो कैजुअल लेबरर्स हैं जो मिनिमम वेजेस लेते हैं कम से कम उनको जो मिलता है वो 18,000 के आसपास सैलरी रहती है, तो जम्मू कश्मीर आते आते ये कम क्यों हो जाता है इस पर वजाहत तो नहीं दी गई है, लेकिन ये ज़रूर है रिवाइज किया गया है और 311 पर डे मिलेगा अनस्किल्ड वर्कर्स को, 400 सेमी स्किल्ड को, 483 स्किल्ड स्टाफ को, 552 हाईली स्किल्ड को, 449 जो इंतज़ामी या जो वजारती सतह पर काम करता है। अभी जो मिनिमम वेजेस एक्ट है इसके हिसाब से डेली वेजेस को चूँकि काफ़ी फ़ायदा होगा, जो काफ़ी वक्त से कह रहे हैं कि स्ट्राइक पर हैं और अब उनके मुतालबात को मान लिया जाना चाहिए, लेकिन ये लोग कौन हैं, अलग अलग कैटेगरीज जो बनाई गई हैं स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड। अनस्किल्ड में वो तमाम लोग आते हैं जो सिंपल ऑपरेशंस करते हैं, छोटे बहुत काम करते हैं, स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। और सेमी स्किल्ड जो हैं वो हैं जिनके पास स्किल्स भी हैं, कॉम्पिटेंस है और एक्सपीरियंस है जॉब का, उनको सरकार ने इस नोटिफिकेशन के हिसाब से भी बेनिफिट दिए हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है स्किल्स हैं उस बेस पर भी। स्किल्ड वर्कर्स जो हैं इसका मतलब ये होता है कि जो लोग जिनमें स्किल्स भी हैं, कॉम्पिटेंस है, रिक्वायर्ड जो रेट रहता है एक डिपार्टमेंट के अंदर जॉब का, एम्प्लॉयमेंट का, उस हिसाब से इनको लगाया जाता है। और जॉब की जो एक्सपीरियंस है, कितने साल तक किस महकमे में इसने काम किया है, उस बेस पे उस शख्स को फ़ायदा पहुंचाने की बात इसमें कही गई है सरकार की तरफ से। हाईली स्किल्ड जो हैं उसका मतलब ये हुआ कि जिनको ज़्यादा परफेक्शन के साथ काम आता है, डिप्लोमा है, डिग्री है, क्लरिकल वर्क एक्सपीरियंस है, कहीं पर कोई क्लर्क रहा है, उस सतह पर कोई काम कर रहा है अलग अलग जगहों पर, तो वो एक इस डिसीजन जो है वो इसमें इन्वॉल्व किया गया है। और जो टास्क एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर उसे दिए जाते हैं वो एग्जीक्यूशन प्लान सही तरीके से कर सकता है, तो उसके लिए नोटिफिकेशन के मुताबिक उसको फ़ायदा पहुंचेगा। सरकार का ये ऑर्डर जो है नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है और सरकारी गैजेट जो है मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से है, प्रपोजल वही था। और इसमें बड़ी बात यह है कि सरकार ने जब पिछला ऑर्डर जारी किया था तो मिनिमम वेजेस जो कम से कम उजरत मिलती है वो पर डे कम थी, अब बढ़ाई गई है 38%, कुल मिलाकर जो इजाफा ओवरऑल हुआ है सारी कैटेगरीज़ में, तो इसमें बहुत सारे लोगों से एतराज़ात, शिकायत भी मांगी गई थी कि अगर उनको किसी तरह का इस पर एतराज़ है, कोई शिकायत है तो वो अपनी बात रखेंगे। 20 लोगों ने अपने एतराज़ात जमा कराए हैं और उन एतराज़ात को सामने रखते हुए ये फैसला लिया गया है। कहा गया है कि 20 ऑब्जेक्शन, सजेशंस और कमेंट्स जो हैं वो डिपार्टमेंट को मिले हैं, जो एडवाइजरी बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है उसके सामने रख दिए हैं। एक्ट के हिसाब से उनकी बातें कितनी सही कितनी गलत हैं ये एडवाइजरी बोर्ड तय करेगा। मिनिमम वेज जो है मिनिमम अमाउंट है जो एक वर्कर को मिलता है जिनकी मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले लोग इसीलिए इस एक्ट को लागू करने की बात कर रहे हैं बाकी रियासतों की तर्ज पर। एडवाइजरी बोर्ड जो है उसको आरआर भटनागर हेड करेंगे, एडवाइज़र हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के विवेक भारद्वाज जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, शैलेंद्र कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी वर्क्स के हैं, सरिता चौहान हैं कमिश्नर सेक्रेटरी हैं लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के, इसके अलावा अब्दुल रशीद वार लेबर कमिश्नर हैं, एम वाई तू हैं डीजी बजट हैं, अली मोहम्मद डीजीएम जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज़, उबैद रियाज डीजीएम जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज़, और रिप्रेजेंटेटिव्स जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं उन तमाम लोगों को एडवाइजरी बोर्ड में, यानी जिन लोगों ने एतराज़ात और शिकायतें दर्ज की हैं कि ये कम है बाकी रियासतों के मुकाबले, दिल्ली में ज़्यादा है मिनिमम वेज,
जम्मू कश्मीर में कम क्यों? अगर किसी ने ये बात भी रखी है तो एडवाइजरी बोर्ड तय कवायद के मुताबिक, रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक इस पर फैसला लेगा, जिम्मेदारी लेगा, उसी हिसाब से काम इस पर आगे बढ़ेगा। तो उस हिसाब से ये काम शुरू कर दिया गया है डिपार्टमेंट के अंदर और दिवाली से पहले मजदूरों के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर है, लेकिन और आगे बढ़ेगा ये भी यकीन दिलाया गया है। एडवाइजरी बोर्ड अपनी मुशावरत करने के बाद सिफारिशात हुकूमत के सामने रखेगी, जिसके बाद हतमी फैसला ले लिया जाएगा।